आप लोगों को कैसा लगा ये दृश्य? आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ी अमर्यादित। मुझे लगता है कि इस विषय को आप लोग और आप लोगों की बौद्धिक चर्चा में रखिए और बताइए कि आज झारखंड में जो विपक्ष है वो किस तरीके की राजनीति करने का प्रयास कर रहा है या यही इनकी राजनीतिक उद्देश्य है। ऐसा मुझे लगता है कि शोक प्रस्ताव और उसमें वर्णित और जिन लोगों का आज प्रस्ताव में नाम था, ऐसे ऐसे लोग जो देश के राजनीति में देश के आंदोलन में एक अहम कड़ी के रूप में लोग रहे हैं, उनके प्रति इनकी श्रद्धा सुमन किस तरीके से उभर के देखने को मिला वो आप सब लोगों ने देखा। देश में कई घटनाएं रोज होती, और जिस तरीके से विपक्ष घटना विशेष को लेकर बाकी जो नामचीन लोग हैं उनके श्रद्धांजलियों का इन लोगों ने मजाक उड़ाया। इस साहिबगंज की घटना को लेकर अब कहा जा रहा है कि कठोर कानून बनना चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। साहिबगंज की घटना क्यों? क्या दिल्ली में घटना नहीं घटा? क्या मध्य प्रदेश में घटना नहीं घटा? क्या यूपी में घटना नहीं घटते? कहाँ नहीं घटते? और निश्चित रूप से मुझे लगता है इस ऐसे आज के दिन में जो समाज में विकृतियां फैल रही हैं ये हर समाज के लिए चिंता का विषय है, और ये विकृतियां क्यों आ रही हैं ये भी एक चर्चा का विषय है, और इसका समाधान कैसे हो यह भी चर्चा का विषय है। हर वर्ग हर समाज के लिए चिंता का विषय है। इसलिए मेरा यह मानना है कि इस तरीके की घटनाएं वर्तमान समाज के अंदर जो एक बड़ा घर बनाने की
प्रयास है उसे कुचलने का पुरजोर प्रयास होना चाहिए। हर लोग मिलकर ऐसे घटनाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अपनी बातों को जो ये बिल्कुल इस लोकतंत्र में जिसकी जगह नहीं है उसको पनपने ना दे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।